खबर रीवा से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव का दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सोमवार को जहां प्रचार प्रसार में रोक लगा दी गई, वहीं शांतिपूर्ण मतदान कराने की व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन मतदान के पहले ही विवाद शुरू हो गया है। सोमवार की रात वार्ड क्रमांक 15 की कांग्रेस प्रत्याशी नीतू पटेल के पति अशोक पटेल झब्बू पर प्राणघात हमला कर दिया गया। आधा दर्जन की संख्या में रहे बदमाशों ने अशोक पटेल को बेरहमी से पीटा। घायल अवस्था में पूर्व पार्षद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पूर्व पार्षद रामराज पटेल सहित उसके परिवार के लोग मतदाताओं को लुभाने शराब बांट रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को स्थान की सूचना देने पर पूर्व पार्षद व कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड 15 के अशोक पटेल झब्बू भी गए हुए थे। पुलिस से भी ज्यादा संख्या में मौजूद रहे बदमाशों ने पूर्व पार्षद सहित एक युवक को रोक लिया और लाठी डंडों व पत्थरों से पीटना शुरू कर दिया। काफी देर तक वह मारपीट करते रहे और अधमरा कर भाग निकले। जानकारी झब्बू के समर्थकों को हुई तो वह मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद झब्बू को सिटी कोतवाली थाना शिकायत के लिए लाया गया और वहां से उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल और फिर वहां से SGMH रेफर किया गया, जहां झब्बू का उपचार किया जा रहा है। बता दें कि बड़ी बात यह सामने आई है कि पीड़ित अशोक पटेल के अनुसार पुलिस ही उसे वहां लेकर गई थी और पुलिस के सामने मारपीट हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पुलिस वहां क्या कर रही थी और बाद में पुलिस ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, क्योंकि आरोपियों ने पुलिस की कार्यवाही में रोक लगा शासकीय व निर्वाचन कार्यवाही में रोक लगाई है। ऐसे में पुलिस खुद प्रत्यक्षदर्शी है और अशोक पटेल के परिजनों को मामला दर्ज कराने की पुलिस बात करती रही। कौन कौन था? रामराज ओकर भाई गमेश सुरेश ओकर भतीजे लड़का नितिन नितिन ओकर लड़का पथरामारी से कलम गए रहतारी ओकर भतीज गौरव पटेल जो पुलिस वहाँ है वह हमसे कहीं से गए क्या भैया।